जबकि इसी मुताबिक आपको बताएं कि एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद बलोच ने कहा है कि धमाका बज़ाहिर खुदकुश लगता है। धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस से जाने के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। इनिशियली तो खुदकुशी लग रहा था, लेकिन क्योंकि आवाम का जमघटा और रश यहाँ पे इतना ज़्यादा था और ये सारा सिनेरियो, तो अभी मज़ीद उसका जो हमारी स्पेशल टीम है वो उसका तयन करके हमें एग्जैक्ट बताएगी कि ये खुदकुश था या कोई सामान रखा गया। सर, पहले भी स्टेशन पर धमाके होते रहे, स्टेशन पे सिक्योरिटी सख्त होती है, इस मरतबा स्टेशन पर पुलिस की जानिब से क्या सिक्योरिटी जो है मौजूद? देखिए, सिक्योरिटीज तो रेलवे स्टेशन की अपनी जो रेलवे पुलिस है उनकी डिप्लॉयड, जो एंट्री एग्जिट है वो डिप्लॉयड होती है। यहाँ पे चेकिंग्स भी हो रही थी, कैमरे भी यहाँ पे नस्ब हैं जिनसे हमें कुछ फुटेज वगैरह दस्तियाब हुए हैं, लेकिन अभी फर्दर जो मजीद उन फुटेज से पता चलेगा कि क्या लैप्स था जिसकी वजह से वाक्य पेश आया। सर, टारगेट किसको किया गया, आप क्या समझते हैं, आम पैसेंजर्स हैं यहाँ पे कोई या कोई सिक्योरिटी फोर्सेज की मूवमेंट? लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सबको पता है कि यहाँ पे हर तरह की भी मूवमेंट होती है, आर्म फोर्सेज की भी मूवमेंट होती है, तो अभी हमारी जो कैजुअलिटीज के फिगर है उसमें दोनों है, तो उसी से फिर एग्जैक्ट जो है ना वो होगा और आपको जब पता चलेगा कोई क्लेम आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये लगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है निशान। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद बलोच की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, उन्होंने कहा कि धमाका बज़ाहिर खुदकुश लगता है, जबकि धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस से जाने के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी।